माशाल्लाह। आइए अब यहाँ से इंशाल्लाह आपको तरोताजा करता हूँ और जनाब अकील गौहर साहब तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ। हिंदुस्तान के एक मशहूर शायर, नौजवानों की दिल की धड़कन, जो भागलपुर की सरजमीन पर बहुत मरतबा आने का शर्फ हासिल हुआ, लेकिन इस सरजमीन पर पहली मरतबा आपके दरमियान अकील गौहर साहब और मैं आपके दरमियान आया हूँ। सोचता हूँ कि आपकी कुछ मोहब्बतें मिल जाए, उसके बाद इंशाल्लाह यहाँ से आपकी मोहब्बतें लेकर मैं बांदा की सरजमीन यूपी पर चला जाऊँ। जी 36 तारीख का मेरा प्रोग्राम यूपी का है, दुआ कीजिए यहाँ भी कामयाब हो जाऊँ, वहाँ भी कामयाब हो जाऊँ। दोस्तों हमारे बीच बड़े बड़े उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, मैं नाम से वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन जो जर्रा जहाँ है वही आफ्ताब है। दोस्तों मैं तमाम लोगों का एहतराम करता हूँ, तमाम हमारे असातिज़ा इकराम स्टेज पर जलवा फरोश हैं, और आज के जलसे की जो जानदार शानदार जो सदारत फरमा रहे हैं, हम सबके मशहूर करम फरमा मुरब्बी अतालीब हजरत अकदस अलहाज मौलाना अताउर रहमान साहब मुफ्ताही मदरसा अल जामियतुल हबीबिया, जो पुरैनी भागलपुर की सरजमी से ताल्लुक रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपके इलाके के सरजमी से ताल्लुक रखते हैं, और पूरे मुल्क हिंदुस्तान का सफर पर आपके इस इलाके की सरजमी के नाम से करते हैं और आपके सरजमीन का नाम रोशन करते हैं। दोस्तों आइए शेर पढ़ता हूँ और आधा शेर मैं पढ़ूंगा, आधा आप पढ़ेंगे। हरी सज्जाद साहब कह रहे कि लोग जग नहीं रहे, अब देखता हूँ शेर में कौन नहीं जग रहा है। जी जिसके अंदर इश्क़े रसूल की चिंगारी होगी ना, ये शेर पढ़ेगा इंशाल्लाह वो शोलों में तब्दील हो जाएगा। उसके बाद इंशाल्लाह यहाँ से आप लोग बड़े अच्छे अंदाज में अकील गौहर साहब को सुनेंगे। जी वक्त वक्त भी इंजेक्शन लगाऊंगा, हजम नहीं कर पाएंगे। जी थोड़ा थोड़ा इंशाल्लाह रस्ते रस्ते पे आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। दोस्तों को मैं बता दूं कि अनाउंसर का काम होता है मजमा को जगा देना। खोले खोले उसको। जी थोड़ा सा इधर मुखातिब हो जाए आप लोग, मैं अगर ज्यादा टाइम ले लूं तो आप ये मत समझिएगा कि अनाउंसर ज्यादा टाइम लेता है। हमको यहाँ आज बुलाया गया सिर्फ बोलने के लिए, और अनाउंसर का काम होता है मजमा को जगा देना। जब मजमा जाग जाएगा तो कसम खुदा की अनाउंसर खुद भाग जाएगा। जी तो शेर पढ़ता हूँ कि मुझको तैबा जो दिखा दे तो मजा आ जाए। अब हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप? सुभानअल्लाह बोल दिया, आप बोलेंगे मजा आ जाए। क्या बोलेंगे? मजा आ जाए। जिसको मजा आएगा वही बोलेगा कि मुझको तैबा जो दिखा दे तो मजा आ जाए, अरे सोई तकदीर ही जगा दे तो मजा आ जाए। हमारे शरीर माशाल्लाह बेदार है, थोड़ा आप भी बेदार हो जाए। कुछ लोग ऐसे चौंक रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मैं हिंदी बोल रहा हूँ, एक प्योर हिंदी बोलने वाला, उसको उर्दू बोलने आती नहीं थी। जब उसकी साइकिल पंक्चर हो रही, साइकिल दुकान में गया, साइकिल वाले से कहने लगा कि ओ रुद्र चक्र के महाचक्र के अभिनंदा, मेरे दूर चक्र में तूर चक्र ने सुई चक्र को हूर चक्र कर दिया है, तू अपने सूर चक्र से तूर चक्र को रफू चक्र कर। तो साइकिल दुकान वाला बोला, भाई साहब हम गरीब आदमी हैं, इतना सामान मेरे पास नहीं है, तो वही वही समझा। अगर आप लोग उर्दू समझ रहे हैं तो एक बार पूरा पिंडा दोनों हाथों को फिजा में लहरा के नबी के नाम पर कह दीजिए सुभान अल्लाह। इसी तरह बेदारी, जिस तरह मैं शेर पढ़ूं उसी तरह बेदारी पेश करें कि मुझको तैबा जो दिखा दे तो मजा आ जाए, अरे सोई तकदीर जगा दे तो मजा आ जाए। जब तक आप लोग बोलेंगे मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं, देखता हूँ कितने देर मुझे खड़ा कराएंगे यहाँ पे। मैं पूरी रात बोलने की ताकत रखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और खजाने रहमानी में एक से एक उम्दा शेर मौजूद है, इंशाल्लाह जैसा आप सुनेंगे वैसा मैं आप लोगों के दरमियान पेश करूंगा कि मुझको तैबा जो दिखा दे तो मजा आ जाए, अरे सोई तकदीर जगा दे तो मजा आ जाए, और अपने कांधे पर बैठा करके मैं नाचो एक बार, अरे हज उमरा जो करा दे मजा आ जाए, मजा आ जाए कि अपने कांधे पर
बैठा करके मैं माँ को एक बार अरे हज उमरा तो करा दे पर आप लोग भी थोड़ा हिम्मत न लगा ऐसा लगा ना ऐसे खामोश है आप लोगों की बस में नबी के पाक जो भी सजा रहे हैं अरे जन्नत में घर को अपना बेशक बना रहे हैं और जलसा में आके चुपचाप बैठे हैं इधर ऐसा लग रहा है कि बकरी चरा रहे हैं ऐसा मामला नहीं होना चाहिए कि मुझको पैदा जो दिखा दे तो मजा आ जाए अरे सोई तकदीर जगा दे तो मजा आ जाए और अपने कांधे पर बैठा करके मैं माँ को एक बार अरे तो मजा आ जाए और आधे जमजम जो मिले मैं ये शेर कारी सज्जाद साहब के हवाले से पढ़ रहा हूँ जितने अलमा कराम बैठे हैं सारे लोगों के हवाले से शेर पढ़ाऊं कि आधे जमजम जो मिले और तैबा की हो अजवा खजूर आधे जमजम जो मिले और तैबा की हो अजवा खजूर अरे कोई इफ्तार करा दे तो मजा नाते आका तू सुना दे तो मजा